सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग ब्रेन। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं लोकल होस्ट के साथ। तो इस वीडियो में हमने क्या लिखा है, सबसे पहले तो हमने इंपोर्ट किया है इंपोर्ट mysql.connector। ये बेसिकली एक कनेक्टर है और बहुत बार केसेस में हो सकता है कि आपको जब ये आप कोड रन करो ना, तो आपके पास एरर आ सकता है कि नो मॉड्यूल इस्टेब्लिश mysql कनेक्टर। तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने डिस्कस किया है कि उस एरर को कैसे हमने रिजोल्व करना है। तो अब इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने ये चीज इंपोर्ट करी, और ये इंपोर्ट करने से पहले आप याद रखना कि आपको MySQL का कनेक्टर सॉफ्टवेयर है वो वेबसाइट में जाके इंस्टॉल करना, वो भी अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इसका MySQL कनेक्टर जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, और सेकेंड है आपने MAMP को भी इंस्टॉल करना है। ओके, ये दो चीजें जो हमने इंस्टॉल करनी है, उसके बाद ही हम लोग कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वो सोच रही हूँ कि आपने ये दोनों चीजें इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुके हो। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने अब MySQL कनेक्टर का यूज करना है, मतलब बेसिकली हमने अपने इस वाले कोड को अपने डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो वो हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, वहां पे हमारा ये वाला जो है यूज होता है mysql.connector। तो सबसे पहले हमने उसको इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया कॉन नेम का, आप कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद हमने इस कनेक्टर को डॉट कनेक्ट किया। अब कनेक्ट एक फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, होस्ट, यूजर नेम, सब कुछ। ओके, अब हमने ये वाली लाइन लिख ली, ये बाय डिफॉल्ट सबकी सब कोड में सेम होती है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, होस्ट। होस्ट हमारा क्या है, लोकल होस्ट। अगर आप इसके स्पेलिंग या कुछ भी गलत लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लोकल होस्ट 1 लिखा, तब भी मेरे को ये एरर देगा। आपने यहाँ पे सिर्फ लोकल होस्ट ही लिखना है। उसके बाद आपने अपने लोकल होस्ट का यहाँ पे यूजर और पासवर्ड लिखना है। ओके, ये 3 चीजें जो है होती है वो मैंडेटरी होती है। अब हमारा बाद में क्या आता है, पोर्ट नंबर। अब मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने अपना मैम्प का, यहाँ पे ये हमारा मैम्प है, इसका मैंने पोर्ट नंबर चेंज किया था। ओके, तो अगर आपने अपने पोर्ट मैप का पोर्ट नंबर चेंज किया है, तो आपको यहाँ पे वो लिखना जरूरी है। वैसे बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है हमारा 3306 MySQL का, बट यहाँ पे मैंने 6 की जगह 7 चेंज किया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आपने चेंज नहीं किया तो आपको लिखने की जरूरत ये चीज नहीं है। ओके, अब आपने क्या करना है, चेक करना है कि क्या हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे, क्या लिखोगे, प्रिंट कौन, जो हमने यहाँ पे ये वेरिएबल यूज किया। तो जैसे मैं इस कोड को रन करूंगी, यहाँ पे हमारे पास जो उसका कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा, और हमारा ये कोड जो है वो सक्सेसफुली रन हो गया। अगर आपको इसके अलावा कुछ भी कोई एरर आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं, या आप अपना ईमेल में स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, तो हम लोग वो रिजोल्व कर लेंगे। ओके, तो यहां तक आपने कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर लिया और आप में कोई भी एरर नहीं आ रहा। अब सेकंड क्या है, हमने डेटाबेस क्रिएट करना है। अब डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपना मैप खोलना है, और उसके बाद आपने इस पे क्लिक करना है, ओपन वेब स्टार्ट पेज। ओके, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो हमारा ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपने phpMyAdmin पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे इस पे, तो हमारा ये वाला पेज ओपन हो गया। अब हमारे पास डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीके, आप क्या करोगे, सिंपली न्यू पे क्लिक करोगे। न्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पे डेटाबेस का नेम दे सकते हो, कोई भी। ओके, अगर आपने यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ पाइथन, और आपने यहाँ पे इसको क्रिएट कर दिया। तो जैसे हमने क्रिएट किया, तो हमारा ये डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो गया, और यहाँ पे आप नेम लिख सकते हो किसका, टेबल का। ओके, ये हमारा डेटाबेस है, और जो यहाँ पे लिखोगे वो आप टेबल का नेम दोगे, जैसे स्टूडेंट का या कोर्सेज का, एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे आप उसका करके यहाँ पे आप गो पे क्लिक कर सकते हैं। तो पहला तरीका है कि हम लोग ऐसे डायरेक्टली हम लोग डेटाबेस को क्रिएट कर लें। तो जो हमने ये पाइथन क्रिएट किया है ना, पाइथन हमारा क्या है, डेटाबेस, और जो हम लोग यहाँ पे नेम देंगे वो होगा टेबल का नेम। ओके, तो ये हमने यहाँ पे पाइथन क्रिएट कर लिया इस वेबसाइट के थ्रू। अब सेकंड कैसे है, अगर हम लोग विजुअल स्टूडियो की हेल्प से हम लोगों ने अगर टेबल क्रिएट करना होगा, तो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक फंक्शन है कर्सर नेम का। ओके, तो आपने कर्सर फंक्शन को यूज करना है किस पे, हमारे ये वाले वेरिएबल पे, और आपने उसका वेरिएबल नेम लिख दिया माई कर्सर। तो माई कर्सर इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर का फंक्शन। तो ये लाइन हमारी मैंडेटरी है। अब हम लोग क्या करेंगे, माय कर्सर का यूज करके सारी की सारी अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप ये वाला कोड देखो, यहाँ पे
यहाँ पे हमने क्या किया है, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट फिर से एक फंक्शन है जो हमने किस पे लगाना है, माई कर्सर पे। ओके, अब एग्जीक्यूट क्या करता है, हमारी जो भी कमांड होती है ना उसको एग्जीक्यूट करता है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूट्यूब वन। तो ये जो हमारा यूट्यूब वन है वो हमारे डेटाबेस का नेम है। ओके, और फिर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिख दिया डेटाबेस क्रिएटेड। तो अब मैं जैसे इस कोड को सेव करके यहाँ पे मैं रन कर रही हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास आ गया डेटाबेस क्रिएटेड। और मैं अपने यहाँ पे लोकल होस्ट में जाके देखूंगी कि मेरा यूट्यूब वन नेम का जो डेटाबेस है वो क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूंगी, तो यहाँ पे मेरे पास यूट्यूब वन नेम का डेटाबेस क्रिएट हो गया। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा से इस कोड को रन करती हूँ। अब अगर मैं रन करूंगी तो यहाँ पे मेरे को ये एरर दे रहा है। वो एरर क्या दे रहा है कि जो यूट्यूब आपका डेटाबेस है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो अगर मेरा डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं उसको दोबारा से बना रही हूँ तो मेरे को एरर मिल रहा है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक और कमांड है, हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑलरेडी वो डेटाबेस है पहले से, फॉर एग्जाम्पल इस YouTube नेम का, तो हमने क्या किया उसको हम लोग पहले ड्रॉप कर देंगे। तो ड्रॉप करने के लिए मतलब डिलीट कर देना। तो उसका हमारा फंक्शन है SQL MySQL में ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट, और उसके बाद हमने उसका नेम दे देना। इसका मतलब है कि ड्रॉप कर दो हमारे डेटाबेस को अगर वो एग्जिस्ट करता है, और उसका नाम क्या है, यूट्यूब वन। तो ये हमारी एक कमांड है, ये मैंने खुद से इंग्लिश कुछ नहीं लिखी, ये कमांड है इफ एग्जिस्ट, मतलब ये हमारी MySQL की कमांड है जो मैंने यहाँ पे लिखी। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखी तो वो क्या करेगा, जो हमारा YouTube वन नेम का डेटाबेस है ना जो पहले से बना होगा उसको डिलीट कर देगा और फिर से हम लोगों को दोबारा क्रिएट कर देगा। तो अब मैं अगर इसको रन करूंगी तो अब मेरे पास यहाँ पे एरर नहीं आएगी। वो क्या करेगा, पहले हमारा डेटाबेस डिलीट हो गया जो बना हुआ था और उसके बाद हमने फिर से क्रिएट कर दिया। तो अगर हम लोग इस यहाँ पे देखेंगे तो फिर से हमारा YouTube वन जो नेम है वो फिर से आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले वो डिलीट हुआ था बट फिर दोबारा बन भी गया। तो सिमिलरली अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली लाइन को कमेंट कर देती हूँ, ये टू लाइन्स को, और मैं इसको सेव करती हूँ, और अगर मैं इसको अब रन करूंगी तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डेटाबेस डिलीटेड। तो अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करूंगी तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा YouTube वन नेम का कोई भी डेटाबेस नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने दो तरीके सीखे कि हम लोग कैसे टेबल को और डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। थैंक यू।